सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिलेशन चैप्टर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सभी रिलेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो देखिए इनमें जो सबसे पहला हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो होगा आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, और लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट, अच्छा ये जो 6 रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में एक बात और बता दूं, अब तक हम जो रिलेशन पढ़ रहे थे, जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे, सभी में रिलेशन को ए सेट से बी सेट में डिफाइन किया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिलेशन हम पढ़ेंगे ए सेट से ए सेट में ही डिफाइन होंगे, मींस अगर आप किसी सेट ए पर रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं तो ये सारे के सारे रिलेशन ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे, ये किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी में डिफाइन नहीं होंगे, ये सभी रिलेशंस ए से ए में डिफाइन होंगे, राइट। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए सच दैट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इस पर डिफाइन कोरिलेशन आर इस टाइप से हो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। क्या डेफिनेशन बनी, किसी सेट ए पर डिफाइन रिलेशन आर अगर इस टाइप से हो कि उसके अंडर ए के सभी एलिमेंट्स का, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मींस ए के सभी एलिमेंट्स का केवल और केवल खुद से रिलेशन हो, ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली। यहां पे आप इसका ध्यान रखें, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली, इट्सेल्फ ओनली का मतलब किसी एलिमेंट का केवल खुद से ही रिलेशन होगा, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट से नहीं हो सकता है, राइट। अभी एग्जांपल पढ़ेंगे हम और क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ एक बात और बता दें, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, इस आइडेंटिटी रिलेशन को किसी सेट ए पर अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो कई बार इसको आई ए भी लिख देते हैं, आई ए का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं समटाइम्स द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज डिनोटेड बाय आई ए, तो कई बार इसको आई ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक सेट ए लिया, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है, और इस सेट ए पे डिफाइंड रिलेशन हमने ले लिया जैसे R1, R2, ये कोई दो रिलेशन है जो इस सेट ए पर डिफाइन है, ठीक है ना। अब आर वन रिलेशन इस तरह से है कि इसके अंडर, आर वन रिलेशन के अंडर 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, ठीक है। आर टू रिलेशन इस टाइप से है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर टू रिलेशन के अंडर 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, राइट। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये जो R1 रिलेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी रिलेशन आप खोज रहे हैं तो A सेट में क्या क्या एलिमेंट थे, 1, 2, 3,
तो ए पर जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसके अंडर वन का रिलेशन वन से होगा, टू का रिलेशन टू से होगा, थ्री का रिलेशन थ्री से होगा, दैट्स इट। बस ये तीन ही ऑर्डर पेयर रिलेशन में होंगे आइडेंटिटी रिलेशन में। जो सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसमें केवल तीन ही ऑर्डर पेयर होंगे, 1, 2, 3, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से, लेकिन 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। तो ये जो R1 है ये A पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R2 की बात करें तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो R2 क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी रिलेशन है। R2 क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसी सेट पर और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमने एक R3 रिलेशन और लिया, इसके अंदर 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है और 1 का 3 से रिलेशन है, राइट। अगर इस रिलेशन की बात करें तो देखिए इसमें जैसे सेट में 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, तो 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से रिलेशन है इसमें, 3 का 3 से रिलेशन है, ठीक है, ये तीन ऑर्डर पेयर हो गए। लेकिन यहाँ पे 1 का 1 से रिलेशन होने के साथ साथ 1 का 3 से भी रिलेशन हो गया, ठीक है ना। जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि 1 का 3 से रिलेशन हो गया है इसलिए रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। थोड़ी और एग्जाम्पल लेते हैं तो और डेफिनेशन क्लियर होगी। देखिए लेट हमने कोई सेट एक्स लिया, ठीक है, इसमें एलिमेंट हो गए मान लीजिए 2, 3, 5, 7, ठीक है, एंड ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन एक्स सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी वेयर ए बी बोथ बिलोंग्स टू सेट एक्स। सेट एक्स में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है इस तरह से कि ए का रिलेशन बी से तभी होगा जब ए बी को डिवाइड करता हो। ये जो लाइन है इसको मैथमेटिकली हम क्या रीड करते हैं? डिवाइड्स। ए अगर बी को डिवाइड करता है तभी ए का बी से रिलेशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन को एक्स से एक्स में डिफाइन किया हुआ है। तो एक्स सेट हमने बना दिया 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, तो एक्स से एक्स में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो इस रिलेशन के अंदर देखो इस 2 का रिलेशन अगर हम देखें तो इस 2 का रिलेशन, इस 2 का रिलेशन इधर उन्हीं एलिमेंट से होगा जिनको 2 डिवाइड करता है, ठीक है ना। ए का रिलेशन बी से तभी होगा जब ए किसको डिवाइड करेगा? बी को। तो 2 का रिलेशन यहाँ पे उसी एलिमेंट से होगा जिसको 2 डिवाइड करता है। अब देखिए 2, 3, 5, 7 में से 2 केवल किसको डिवाइड कर रहा है? 2 को। 2 डिवाइड्स 2, 2 और किसी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 2 का रिलेशन किससे होगा? 2 से। ऐसे ही 3 की बात करेंगे तो 3 इनमें से किसको डिवाइड कर रहा है? केवल 3 को। तो 3 डिवाइड्स 3। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 को। और 7 किसको डिवाइड कर रहा है? 7 को। तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, 5 का रिलेशन 5 से है और 7 का रिलेशन किससे है? 7 से। तो रिलेशन R के अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 2, 2, 3, 3, 5, 5 और 7, 7, ये रिलेशन R के ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं ये रिलेशन R आया है, ये सेट X पर आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों होगा आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट एक्स में 4 एलिमेंट थे, तो इन 4 एलिमेंट्स का केवल और केवल खुद से ही रिलेशन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा एक्स का उसमें 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, केवल ये 4 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहे हैं। तो रिलेशन जो आर है यहाँ पे ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ले लेते, मान लो कि सेट एक्स इस तरह से होता 2, 3, 5, 7 की जगह मान लो 6 होता, 7 की जगह क्या होता? 6 होता। और कंडीशन यही होती
रिलेशन यही डिफाइन है, रिलेशन की डेफिनेशन यही है, केवल हमने सेट एक्स को चेंज किया है। तो क्या अब इस केस में जो रिलेशन आएगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा एक्स में? अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि इस रिलेशन को अगर हम फाइंड करेंगे सेट एक्स के लिए तो 2 का 2 से रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है, तो इसमें 2 2 ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 3 3 ऑर्डर पेयर होगा, 5 5 ऑर्डर पेयर होगा और 6 6 ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ देखो 2 6 को भी डिवाइड करता है, इसलिए 2 का रिलेशन 6 से भी हो जाएगा, 3 भी 6 को डिवाइड करता है तो 3 का रिलेशन भी किससे हो जाएगा? 6 से हो जाएगा, राइट। तो ये सारे ऑर्डर पेयर आएंगे किसमें? रिलेशन आर में। तो अब यहाँ पे देखिए, रिलेशन आर में 2 का 2 से, 3 का 3 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से रिलेशन तो है, लेकिन 2 का 2 से होने के अलावा 2 का 6 से हो गया, 3 का 3 से होने के अलावा 3 का 6 से हो गया। तो चूंकि ये दो ऑर्डर पेयर इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इनकी वजह से ये जो रिलेशन आर है अब इस सेट एक्स में आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये वाला होगा यहाँ पे इस एग्जांपल में, और अगर आप सेट एक्स को चेंज करके ये वाला सेट लेंगे तो उस केस में फिर जो रिलेशन बनेगा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। एकदम सिंपल है, बेसिक है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी रिलेशन की अगर बात करें तो ये जो 6 टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ रहे हैं इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट वाला है इक्विवेलेंस रिलेशन वो तो इन्हीं पे बेस्ड होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसकी कि व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एलिमेंट, ध्यान दें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ, राइट। तो इस रिलेशन के अंदर सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है। अब आप कहेंगे कि ये डेफिनेशन तो बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन के जैसी है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो दोस्तों, दोनों डेफिनेशंस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन थी वहाँ पे इट्स सेल्फ के बाद ओनली वर्ड और था। ओनली वर्ड का मतलब कि एक हर एक एलिमेंट का केवल और केवल खुद से ही रिलेशन होगा, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट से नहीं हो सकता था आइडेंटिटी रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, राइट। अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए शुड बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो आपने यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मींस ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो उस केस में रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ए कोमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है ये किस में होना चाहिए? रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो मैथमेटिकली लिखने के तरीके हैं, कई तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे आपने सेट ए लिया, सेट ए में मान लीजिए 1 और 2 दो ही एलिमेंट है, ठीक है। अब इस सेट ए पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एक आर वन रिलेशन डिफाइन किया मैंने, एक आर टू रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। और एक इधर लिख देते हैं कोई आर थ्री रिलेशन, एक इधर लिख दिया आर फोर रिलेशन। तो आर वन रिलेशन इस तरह से है कि 1 का 1 से, 2 का 2 से रिलेशन है, ठीक है ना, 1 का 2 से रिलेशन है। आर टू रिलेशन है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, राइट। आर थ्री रिलेशन मान लीजिए कुछ इस तरह से है कि 1 का 1 से रिलेशन है,
टू का टू से रिलेशन है, आर फोर रिलेशन है वन का वन से, टू का टू से, वन का टू से, टू का वन से। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। तो देखिए ए जो सेट है इसमें केवल दो ही एलिमेंट है, वन एंड टू, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए वन का रिलेशन वन से होना चाहिए, टू का रिलेशन टू से होना चाहिए, ये दो ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए रिलेशन में। अब इनके अलावा अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर देखिए आर वन में वन का वन से है, टू का टू से है, ठीक है, आपको ये दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए थे, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ चुके हैं। उसके बाद फिर वन का टू से भी है, तो कोई बात नहीं, वन का टू से रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आर वन जो रिलेशन है यहाँ पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। आर टू की अगर बात करें तो वन का वन से है, वन का टू से, टू का वन से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वन का वन से तो रिलेशन हो गया, लेकिन टू का टू से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये जो आर टू रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर थ्री में बात करें तो वन का वन से है, टू का टू से है, ठीक है ना, इनके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो देखिए चूंकि वन का वन से है, टू का टू से, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और आप देख सकते हैं रिलेशन आर थ्री जो है ए पर आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है ना, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अगर आप आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट टू। सभी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, या ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2 ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो इनमें से जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं उनमें हम टिक मार्क कर रहे हैं और जो नहीं है उन पर क्रॉस लगा रहे हैं। आर फोर में देखिए वन का वन से है, टू का टू से है, तो वन का वन से, टू का टू से, ये दो ऑर्डर पेयर हो गए, रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए दो ऑर्डर पेयर चाहिए थे आपको। अब इसके बाद फिर वन का टू से, टू का वन से भी है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, राइट। और एग्जांपल पढ़ते हैं, देखो लेट ए सेट पी, कोई पी सेट हमने लिया, ठीक है ना, पी सेट में मान लो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, देन अब पी सेट में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर। आर वन रिलेशन हमने डिफाइन किया ए ए बी पी, ए सी बी ए, ठीक है। आर टू रिलेशन हमने डिफाइन किया ए ए बी पी सी सी, ए बी सी बी, ठीक है। आर थ्री रिलेशन हमने डिफाइन किया ए ए बी बी। आर फोर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ए ए बी पी सी सी, ठीक है। अब हमें आर वन, आर टू, आर थ्री के आर फोर को चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखो पी जो सेट था वो ए बी सी था, तो इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए ए का ए से, बी का बी से और सी का सी से रिलेशन होना चाहिए। कोई रिलेशन आर जो पी में डिफाइन है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए का ए से, बी का बी से और सी का सी से रिलेशन, ये तीन ऑर्डर पेयर तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो आर वन में देखो ए का ए से है, बी का बी से, लेकिन यहाँ पे सी का सी से वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इसमें नहीं है, मीन्स आर वन के अंडर सी का सी से रिलेशन नहीं है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। आर टू में ए का ए से है, बी का बी से है, सी का सी से है, ठीक है ना, ये तीन ऑर्डर पेयर आ गए इसमें। उसके बाद फिर ए का बी से भी है और सी का भी बी से है, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमको ये तीन ही ऑर्डर पेयर तो चाहिए रिलेशन में, तो इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे ए का ए से है, बी का बी से, लेकिन सी का सी से नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिबिलिटी में जो डिफरेंस था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या डिफरेंस होता है, नंबर फर्स्ट, इन आइडेंटिटी रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, राइट, बट इन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मे बी रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज विद इट्सेल्फ। देखिए क्या डिफरेंस है कि आइडेंटिटी रिलेशन में तो सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड होता है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने के अलावा या खुद से रिलेटेड होने के साथ साथ और किसी दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, राइट। अच्छा दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या है, दूसरी कंडीशन है ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स ऑफ इट इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट। अच्छा अब और एग्जांपल करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ताकि और ज्यादा क्लियर हो हमारे। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेट ए ए बी सी देन फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। आपको एक ए सेट दिया हुआ है, इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो आपको बताना है कि सेट ए पर टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को किससे जोड़ दिया गया है, पी एंड सी से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो सेट ए है अगर मैं इसके लिए ए क्रॉस ए फाइंड करूँ, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ, तो देखिए ए का ए के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नाइन। नाइन क्यों होंगे, क्योंकि इसे में थ्री हैं और इसे में भी क्या है, थ्री, तो ए क्रॉस ए में नाइन एलिमेंट होंगे। अब वो जो नाइन एलिमेंट होंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, और वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थ्री ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे ही होंगे ए क्रॉस ए में, इसके अलावा कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसके अलावा सिक्स ऑर्डर्ड पेयर्स और होंगे, ठीक है, ये ए क्रॉस ए आ गया, ठीक है। अब आप जब भी कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे सेट ए पर तो वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, ये बात भी हम जानते हैं। अब हमें उस रिलेशन को क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो ए पर डिफाइन किसी रिलेशन की रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए उस रिलेशन के अंदर ये तीन ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए, ठीक है ना, तभी तो वो रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव। अगर इन तीनों में से कम एक ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं हुआ तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स का होना ज़रूरी है, तो ये थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे ताकि रिलेशन क्या बने, रिफ्लेक्सिव बने। अच्छा इन तीन ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ अब बाकी के जो छः ऑर्डर्ड पेयर और रह गए, हो सकता है कि इनमें से कोई ऑर्डर्ड पेयर ना हो, या हो सकता है कि इनमें से एक ऑर्डर्ड पेयर हो, या हो सकता है दो ऑर्डर्ड पेयर हो, या फिर हो सकता है सारे ऑर्डर्ड पेयर भी आ रहे हो, ठीक है ना। तो जो कंडीशन बनेगी वो इन सिक्स ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए बनेगी, ठीक है ना। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो आपको इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। तो ए पर टोटल कितने रिलेशन डिफाइन होंगे, देखो रिफ्लेक्सिव होंगे जो, ये थ्री तो आपको रखने ही रखने, ठीक है। अब ये जो सिक्स हैं, इन सिक्स में से हो सकता है कि आपने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिया है इन थ्री के साथ में,
तो उस केस में जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा होगा, ए कोमा ए, ए कोमा बी, सी कोमा सी, आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो, और वो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हो सकता है कि इन थ्री एलिमेंट्स के साथ या इन थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ इन सिक्स में से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर हो, कितने टाइप से हो सकता है, 6C1 टाइप से हो सकता है, 2C2 टाइप से, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हो 6C6 टाइप से, ठीक है ना। ये वाला जो रिलेशन बनेगा ये कौन सा रिलेशन होगा, देखो ये थ्री एलिमेंट्स तो आपने ले ही लिए और ये सारे के सारे उठा के डाल दिए, तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल होगा, मींस ए पर वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, 6C0 प्लस 6C1 6C2 प्लस 6C6, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी, 2 की पावर 6, कितना आ गया 64। तो 64 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, कैसे एक्सटेंड करें, सेट ए में आपने कितने एलिमेंट्स लिए हुए हैं, 3। अगर मान लो सेट ए में हम n एलिमेंट्स ले लें, ठीक है ना, सेट ए में कितने एलिमेंट्स ले लें, n। यहाँ देखिए कि एक फॉर्मूला बन जाएगा उसके लिए, लेट सेट ए, सेट ए में मान लो x1 x2 एंड सो ऑन कितने एलिमेंट्स हैं, xn हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ए क्रॉस ए में बात करूँ तो ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, ऐसे टोटल ऑर्डर पेयर कितने होंगे ए क्रॉस ए में, एन स्क्वायर। ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करने हैं, तो इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखो, एस ए में कौन कौन से एलिमेंट है, x1 x2 xn, तो किसी रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स को रखना मस्ट होगा, x1 x1 x2 x2 x3 x3 xn xn, ये जो ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में रखने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑर्डर पेयर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x1 x1 x2 x2 और xn xn, ये जो ऑर्डर पेयर्स होंगे सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आपको रिलेशन में रखने पड़ेंगे, तभी वो रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे एक क्रॉस ए में होंगे, तो एक क्रॉस ए में ये कितने ऑर्डर पेयर हो गए, एन ऑर्डर पेयर हो गए, ठीक है, और एक क्रॉस ए में टोटल कितने थे, एन स्क्वायर। तो इनके अलावा और कितने ऑर्डर पेयर बचे एक क्रॉस ए में, एन स्क्वायर माइनस एन, जैसे यहाँ पे इनके अलावा और कितने ऑर्डर पेयर रह गए थे, ये 6 रह गए थे, ऐसे ही एक क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्डर पेयर होंगे, एन स्क्वायर। उन एन स्क्वायर्स में से इस टाइप के कितने होंगे, एन, ठीक है। तो अब बाकी जो ऑर्डर पेयर्स बचेंगे जो इस टाइप के नहीं है, जिनमें दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, वो कितने होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन। तो जब आप रिलेशन डिफाइन करोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखो उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बनाने के लिए ये ऑर्डर पेयर तो आपको रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, रिलेशन में। अब इनके अलावा बाकी के जो एन स्क्वायर माइनस एन ऑर्डर पेयर रह जाएंगे इसमें, हो सकता है कि उनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर इनके साथ इंक्लूड ना किया जाए, या हो सकता है कि उनमें से केवल एक ही ऑर्डर पेयर इनके साथ इंक्लूड किया जाए, या हो सकता है कि दो ऑर्डर पेयर इंक्लूड किया जाए, या फिर हो सकता है कि वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर इन एन ऑर्डर पेयर्स के साथ इंक्लूड किए जाएँ, तो रिलेशन क्या बनेंगे, रिफ्लेक्सिव बनेंगे, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी, 2 पावर n² - n। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आ गया है, क्या, अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट पर आप टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, 2 पावर n² - n। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं अगर ये याद रह जाएगा, और अगर ये याद नहीं रहता है, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन आती है, तो आप PNC को यूज़ करके डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, लेट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली ए डिवाइड्स बी, ए बी बिलोंग्स टू एन, ये नेचुरल नंबर है। इस लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिवाइड। तो ए का रिलेशन बी से तभी होगा जब ए बी को डिवाइड करता हो, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है एन, इसमें नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, सारे नॉन जीरो नंबर होंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि सभी नॉन जीरो नंबर्स खुद को डिवाइड करते हैं, मीन्स ईच नॉन जीरो नंबर डिवाइड्स इट्सेल्फ,
ठीक है, 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, तो कोई भी नेचुरल नंबर आप इसमें से उठाएं वो खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका देखो रीजन हम क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रीजन, सिंस ईच ईच नेचुरल नंबर, सिंस ईच नेचुरल नंबर डिवाइड्स इट्सेल्फ, देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, राइट। अब देखो अब यहां पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्या चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, मान लीजिए जो n है नेचुरल नंबर्स का सेट है, इस n सेट को ना लेके हम क्या लें, इंटीजर्स का सेट लें, z को लें। अगर यही रिलेशन हम z पे डिफाइन करते तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स के सेट में एक एलिमेंट जीरो भी आ जाएगा, और हम जानते हैं कि जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करता है। तो जब जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करेगा तो जीरो कोमा जीरो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो उस केस में इस रिलेशन आर के आर में नहीं आएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए जितने भी इंटीजर्स हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम एन की जगह क्या ले लें, इस एग्जांपल में इंटीजर्स का सेट जेड लें, तो जेड में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो जीरो को डिवाइड करता नहीं है, इसका मतलब जीरो का रिलेशन जीरो से नहीं होगा। तो बाकी जो इंटीजर्स होंगे नॉन जीरो इंटीजर, उनका तो खुद से रिलेशन हो जाएगा, लेकिन जीरो का जीरो से नहीं होगा। इसी वजह से फिर उस केस में रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, राइट। और एग्जांपल देखिए, लेट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सच दैट, अभी ये रियल नंबर्स के सेट में रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये रिलेशन इस तरह से है कि x रिलेटेड टू y if and only if x and y both are real numbers, ठीक है। तो अब अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है नहीं, इसको हम चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, देखो कंडीशन क्या है कि x का रिलेशन y से तभी होगा जब x की वैल्यू क्या हो, y से बड़ी हो, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में अगर मान लो मैं y की जगह क्या लिख दूं, x, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन देखना है, तो हम देख लेते हैं कि x का x से रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, या x से x का जो रिलेशन आएगा वो हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा। तो y की जगह x लिखेंगे तो x रिलेटेड टू x बनेगा, और y की जगह जब x लिखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, x ग्रेटर देन x, तो क्या x ग्रेटर देन x ट्रू कंडीशन होगी, नहीं होगी। मीन्स कोई भी रियल नंबर खुद से बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। वन ग्रेटर देन वन एक फॉल्स कंडीशन होगी, टू ग्रेटर देन टू फॉल्स कंडीशन होगी, कोई भी आप नंबर उठा लीजिए रियल नंबर, वो खुद से बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो रीजन है, इसका रीजन आप क्या क्या लिख सकते हैं, सिंस नन ऑफ द रियल नंबर इज ग्रेटर then itself, ठीक है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x greater than x is not a true condition, ये लिख सकते हैं आप, दोनों का सेम ही मीनिंग है, therefore r is not reflexive, इसलिए r reflexive relation नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आप देखो अब ये जो एग्जांपल है इसमें अगर मान लो यहाँ पे लेस देन साइन होता, एक्स लेस देन वाई, तो उस केस में भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर क्या हो यहाँ पे, अगर इसके साथ इक्वल साइन भी हो जाए, अगर इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई वाली कंडीशन हो, तो फिर इस केस में रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी उस केस में। तो जैसे जब आप इसमें इस तरह से लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x जो कंडीशन है क्या इंप्लाइज करेगी, x इक्वल्स टू x, क्योंकि x ग्रेटर देन x तो होगा नहीं, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन तोड़ जाएगी उस केस में। तो कौन सी कंडीशन रह जाएगी, केवल इक्वल वाली, तो x ग्रेटर देन x दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ईच रियल नंबर, ठीक है ना। तो उस केस में
वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, माइनस वन का माइनस वन से, जीरो का जीरो से, इस तरह से आप कोई भी रियल नंबर उठाएंगे तो उसका खुद से रिलेशन हो जाएगा। तो उस केस में ये रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना। कब की बात हो रही है, जब यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ में इक्वल साइन भी हो तब की बात है। तो उस केस में रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि उस केस में इक्वल वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज अगर कर दिया जाए कंडीशन में या सेट में तो फिर रिलेशन को चेंज भी किया जा सकता है। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव से नॉन रिफ्लेक्सिव या नॉन रिफ्लेक्सिव से रिफ्लेक्सिव बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इनका आप ध्यान रखें। अब और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट एस बी ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स लाइंग इन ए प्लेन, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एस सच दैट T1 related to T2 if and only if T1 is congruent to T2 where T1 T2 belongs to set S। ध्यान दें, यहाँ पे कोई सेट S लिया गया है, ये ट्राइंगल्स का सेट है। किसी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं, इन्फाइनाइट ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, उन सभी का सेट क्या है, S, ठीक है ना। अब इस सेट में एक रिलेशन R इस तरह से डिफाइन है कि दो ट्राइंगल्स का, इस सेट के अंदर कोई भी दो ट्राइंगल्स का रिलेशन तभी होगा जब वो दोनों ट्राइंगल क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो अब हम ये देखते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, राइट। तो देखो, अगर मान लो इस कंडीशन में मैं T2 की जगह T1 लिख दूँ, तो यहाँ भी T2 की जगह क्या लिखना होगा, T1। तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ट्रू होगी, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, ईच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक है ना। इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा उस केस में, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, राइट। देखो क्या लिखेंगे इसकी रीजन में हम, सिंस ईच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट इज T1 is congruent to T1 for all T1 belongs to set S, ठीक है ना, is true। Therefore, relation R is reflexive। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की जगह सिमिलरिटी की कंडीशन होती कि T1 इज रिलेटेड टू T2 इफ एंड ओनली T1 इज सिमिलर टू T2, तो उस केस में भी ये रिलेशन क्या होता, रिफ्लेक्सिव। क्यों होता, क्योंकि ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर लाइंस के लिए हम बात करें, लेट L इज ए सेट ऑफ All lines lying in a plane and relation R is defined on L such that L1 is related to line L2 if and only if L1 is parallel to L2 where L1 L2 belongs to set L। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आपने इसको ट्राइंगल्स का सेट लिया हुआ था, ऐसे इस एग्जांपल में L को लाइंस का सेट लिया हुआ, एक प्लेन में जितनी भी लाइनें बनाई जा सकती हैं सबका सेट क्या है, L है। अब उस सेट L के अंदर दो लाइन ले ली L1 एंड L2, तो इनका रिलेशन तभी होगा जब ये लाइनें क्या हों, पैरेलल हों। तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, देखो, क्योंकि इसमें अगर आप L2 की जगह L1 लिखें तो क्या कंडीशन बनेगी, L1 पैरेलल टू L1, ठीक है। मींस
L1 लाइन L1 के पैरेलल है, तो L1 लाइन L1 के पैरेलल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिकॉज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसलिए ये रिलेशन क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, राइट। अगर मान लो मैं कंडीशन चेंज कर दूं, यहाँ पे पैरेलल की जगह क्या कंडीशन ले लूं? परपेंडिकुलर टी कंडीशन ले लूं, मींस L1 रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर मैं दो लाइंस का रिलेशन तब रखूं जब वो लाइंस क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो जब कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो उस केस में परपेंडिकुलरिटी वाला जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल होने का रिलेशन है ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल रिफ्लेक्सिबिलिटी के आपको मिल जाएंगे और आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। तो आज के लेक्चर में हमने दो टाइप के रिलेशन पढ़ लिए हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों ही रिलेशन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है और आपको समझ में भी आया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। आज की क्लास में इतना ही।